हेलो दोस्तों, जय श्री राम, जय श्री नारायण। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल टेक शैडो में। आज मैंने ये वीडियो एक शोरूम की 5 लाख समथिंग की धोखाधड़ी कस्टमर के साथ उन्होंने की है और उस चीज़ के ऊपर आज इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बताते हैं कि पूरा मैटर क्या था। दरअसल क्रॉसिंग रिपब्लिक की रहने वाली एक चिकित्सक कस्टमर हैं जिनका नाम है भावना और उन्होंने सेक्टर 63 क्राउन होंडा एच ब्लॉक में पड़ता है, H5 सेक्टर 63 क्राउन होंडा का एक शोरूम है जिनके प्रबंधक हैं, जिनके MD का नाम है मिस्टर अमीन रहमान और जिसके अभी करंट में CEO हैं वो हैं आपके राम सिंगल और वहां के जो GM हैं GM सेल्स उनका नाम है प्रशांत कुमार। के 4 अप्रैल 2021 को वो शोरूम गई थी होंडा अमेज कार खरीदने के लिए और जिसमें कि उनको गोल्डन ब्राउन रंग की होंडा अमेज उनको पसंद आई थी, जिसके लिए उन्होंने 21,000 रुपये बुकिंग अमाउंट शोरूम में, क्राउन होंडा शोरूम जो H5 सेक्टर 63 में है नोएडा में, वहां पे जमा किए थे 21,000 रुपये एज ए बुकिंग अमाउंट। किसी सेल्स पर्सन की मदद से उन्होंने एक बुकिंग अमाउंट जमा किया था। अपने हस्बैंड के साथ वो शोरूम में गई थी कार देखने और उनको गोल्डन ब्राउन रंग पसंद आया था। तो जो वहाँ के सेल्स पर्सन थे, सेल्स पर्सन ने उनको ये आश्वासन दिया कि जो भी आपकी गाड़ी का प्राइस होगा उस गाड़ी के प्राइस का लगभग 50% वो बैंक से फाइनेंस करा देंगे। तो जो सेल्स पर्सन था उनका कहना ये था कि इतनी भी कीमत है उसका 50% यानी कि 50% बैंक से लोन करा देंगे, बाकी 50% अमाउंट उनको कस्टमर को शोरूम में क्राउन होंडा में जमा करने के लिए कहा गया। और जो बैंक से फाइनेंस कराने वाली बात थी, सेल्स पर्सन ने उस चीज़ की पूरी पूरी जिम्मेदारी ली कि आप 50% पेमेंट कर दीजिए और 50% जो है आपका वो बैंक से फाइनेंस हो जाएगा यानी लोन हो जाएगा। इसके बाद कस्टमर को 21 जून को क्राउन होंडा की ऑफिशियल ईमेल आईडी से मेल आता है कि आपकी गाड़ी तैयार है और आप आकर अपनी गाड़ी को ले जा सकते हैं। ये जो क्राउन होंडा की तरफ से मेल आया था, ये जो सेल्स पर्सन थे उनके किसी सीनियर ने उनको मेल किया था कि आप आइए, 21 जून को मेल किया था कि आप आइए और आपकी गाड़ी तैयार है, आप आके अपनी गाड़ी को ले जा सकते हैं, उसकी डिलीवरी ले सकते हैं। जब 28 जून को कस्टमर शोरूम में, क्राउन होंडा शोरूम में सेक्टर 63 नोएडा में गाड़ी लेने के लिए पहुंचते हैं तो उनको बताया जाता है कि प्रबंधक यानी कि जो वहां के MD हैं मिस्टर अमीन रहमान, उनके पास उस गाड़ी की कोई पेमेंट नहीं आई है। जबकि कस्टमर का कहना है कि उस ऑफिशियल मेल में जो अकाउंट की डिटेल्स दी गई थी शोरूम की, उस पर कस्टमर ने 5,30,000 रुपये तकरीबन जमा कर दिए थे, उनके अकाउंट में कई बार भेज दिए थे। उसके बावजूद जब कस्टमर डिलीवरी लेने के लिए पहुंचता है तो शोरूम का ये कहना है कि प्रबंधक यानी कि मिस्टर अमीन रहमान जो वहाँ के MD हैं, उनके अकाउंट में या कंपनी के अकाउंट में जो ट्रांजेक्शन उन्होंने की है 5,30,000 रुपये की, वो कंपनी को रिसीव नहीं हुई है, यानी कि वहाँ के प्रबंधक मिस्टर अमीन रहमान को रिसीव नहीं हुई है जो क्राउन होंडा शोरूम सेक्टर 63 नोएडा के मालिक हैं। इसके बाद कस्टमर ने क्योंकि ऑलरेडी पैसे ट्रांसफ़र कर दिए थे शोरूम के अकाउंट में, जो उनको ऑफिशियल मेल आईडी में उनको अकाउंट नंबर दिया गया था शोरूम का, इसके बाद कस्टमर भड़कता है और कस्टमर सीधा जाके पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट कर देता है शोरूम के खिलाफ। जब कस्टमर को ये दिक्कत आती है तो कस्टमर वहाँ के जो सेल्स, जो GM सेल्स हैं प्रशांत कुमार, उनके पास भी जाता है, सेल्स पर्सन जो है उनसे भी बात करता है, सेल्स पर्सन के जो सीनियर हैं उनसे भी बात करता है, सभी से सभी तरीके की, हर तरीके की प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेने की कोशिश करता है, बट किसी भी तरीके से कस्टमर की मदद वहाँ पे नहीं की जाती है, ना GM सेल्स द्वारा, ना सेल्स पर्सन द्वारा, ना सेल्स पर्सन के सीनियर, ना वहाँ के CEO, ना वहाँ के MD मिस्टर अमीन रहमान द्वारा, किसी भी तरीके की ग्राउंड लेवल पे ना अपर लेवल पे कस्टमर की मदद की जाती है। क्योंकि कस्टमर का कहना है कि 5,30,000 रुपये उन्होंने वहाँ पे भेज दिए हैं, तो इस तरीके की धोखाधड़ी का मामला सामने आया था। कस्टमर ने ये आरोप लगाया कि जो उन्होंने जो पैसे भेजे थे वो सीधा उस ऑफिशियल मेल आईडी से जो मेल आया था, वहां उसमें जो अकाउंट नंबर दिया गया था कंपनी का, प्रबंधक का जो अकाउंट नंबर दिया गया था, उस अकाउंट में उन्होंने भेजे थे। बट शोरूम वालों का ये कहना है कि उनके पास ऐसी कोई भी ट्रांजैक्शन, ऐसी कोई भी अमाउंट उनके शोरूम पर रिसीव नहीं हुई है, ना ही शोरूम के अकाउंट में, ना ही प्रबंधक यानी MD के अकाउंट में। तो इस तरीके की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। कस्टमर ने ये आरोप लगाया कि वहाँ के जो सेल्स मैनेजर हैं, GM सेल्स हैं प्रशांत कुमार, और सेल्स पर्सन और सेल्स पर्सन के सीनियर, इन सभी ने संगठित होकर कुछ ना कुछ उनके साथ फ्रॉडगिरी की है। तो इस तरीके के फ्रॉड से देखिए हमें क्या सीखने के लिए मिलता है कि कभी भी कोई भी ट्रांजेक्शन आप करें, ट्रांजेक्शन करने के बाद ज़रूरी होता है कि शोरूम पर जाकर उसकी और उसकी रिसिप्ट ले लें, क्योंकि ट्रांजेक्शन होने के बाद जो कंपनी होती है वो अपने टैली में भी हर चीज़ को चढ़ाती है, सब चीज़ का रिकॉर्ड होता है। बट जब भी कोई ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो ज़रूरी होता है कि शोरूम से आप लोग रिसिप्ट ले लें, ताकि इन फ्यूचर कभी भी आपको दिक्कत का सामना ना करना पड़े। क्योंकि जैसा इस केस में हुआ, क्राउन होंडा शोरूम ने जो कस्टमर के साथ फ्रॉड किया, जैसा न्यूज़ आर्टिकल का कहना है कि 5,30,000 रुपये का कस्टमर के साथ फ्रॉड हुआ है,
कस्टमर का ये आरोप है कि शोरूम वालों ने मेरे साथ फ्रॉड किया। कस्टमर का ये कहना है कि शोरूम ने मेरे 5,30,000 रुपये जो मैंने उनको ट्रांसफर कर दिए ऑलरेडी, और वो कह रहे हैं कि मेरे पास नहीं पहुंचे हैं। तो भाई इस तरीके के जो भी केस होते हैं धोखाधड़ी के, तो आप लोगों को थोड़ा सा इस चीज़ में सतर्क रहने की आवश्यकता है, ऐसे शोरूम से सतर्क रहने की आवश्यकता है। क्योंकि हम ये नहीं कह रहे कि कोई भी शोरूम, हर शोरूम ख़राब है या फिर ये प्रॉपर ये शोरूम ख़राब है, ऐसा किसी की भी छवि को नुकसान पहुँचाने का उद्देश्य नहीं है हमारा इस वीडियो में। बट इस तरीके की धोखाधड़ी आपके साथ हो सकती है, तो प्लीज़ बी अवेयर कि ऐसे जब भी आप किसी भी शोरूम पर जाएं और वहां पे अगर कोई भी आप अमाउंट देते हैं कैश में या ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हैं, तो वहां से आपको रिसिप्ट ज़रूर ले लेनी चाहिए। क्योंकि रिसिप्ट ही आपके पास एक ऐसा प्रूफ होता है कि जिससे आप ये साबित कर सकते हैं कि हाँ, हमने आपके शोरूम पर पेमेंट जमा की है। तो इस तरीके के फ्रॉड आप लोगों के साथ भी हो सकते हैं। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि शोरूम वालों ने उनके साथ कोई फ्रॉड किया है। ऐसा न्यूज़ आर्टिकल में जो लिखा गया है, कस्टमर का जो कहना है, उन तथ्यों पे हम बात कर रहे हैं जैसा न्यूज़ आर्टिकल में लिखा हुआ है। इन फ्यूचर आप लोगों के साथ कभी ऐसा ना हो, इस चीज़ को लेके थोड़ा सा आप लोग भी अवेयर रहिएगा। क्योंकि आजकल वैसे भी आपको सबको पता ही है कि ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स पे और बाकी सब कितने ऑनलाइन स्कैम और हर तरीके से गूगल पे वगैरह के स्कैम, बीच में एक स्कैम सामने आया था कि शोरूम पे फ़ोन करते हैं बुकिंग कराने के लिए, गूगल पे से शोरूम पे पेमेंट करने की बात करते हैं, सेल्स पर्सन से ही पैसे हड़प लिए जाते हैं। एक मैंने वीडियो यूट्यूब पे पीछे भी डाली थी जिसमें कि बुकिंग के बहाने फ्रॉड किया जाता है। तो ऐसी तमाम चीज़ें होती हैं इन चीज़ों पर भी। तो थोड़ा सा जब भी किसी शोरूम पर विज़िट करें तो उसकी रेटिंग्स चेक करें, सब चीज़ें चेक करें, और उसके बाद ही, और खासकर ऐसे शोरूम पर बिल्कुल ना जाएं जहां पर आपके साथ इस तरीके की हरकतें होती हो, जहां पे ग्राउंड लेवल पे और अपर लेवल पे आपको कभी सपोर्ट ना किया जाए। तो ऐसे शोरूम से बच के रहिए। और पर्सनली सजेशन ये है कि गाड़ी वहां से लीजिए जहां पे आपको ग्राउंड लेवल से लेके और अपर लेवल तक का सपोर्ट मिले। ऐसे शोरूम पर बिल्कुल मत विज़िट कीजिए जहां पे आपको बिल्कुल भी कस्टमर सपोर्ट ना मिले। यहां पे आपने उनको हज़ारों लाखों रुपये दे दिए और वहां पे वो आपको 2 रुपये की सर्विस भी नहीं दे पा रहे हैं, आपको सेटिस्फेक्शन नहीं दे पा रहे हैं, तो ऐसे शोरूम पर जाना बिल्कुल बेकार है। तो इस तरीके की जो जानकारी है वो हमें न्यूज़ आर्टिकल के थ्रू मिली थी। इन चीज़ों को लेकर थोड़ा सा सतर्क रहिए और ऐसे शोरूम से खासकर बच के रहिए जहाँ पे कस्टमर सपोर्ट कम मिलता हो, वहाँ पे जाइए जहाँ पे कस्टमर सपोर्ट ज़्यादा मिलता है। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। खुश रहिए, सतर्क रहिए और अपना ख्याल रखिए। कोरोना गाइडलाइंस का खासकर पालन करिए, अपने आप को भी सुरक्षित रखिए और अपने परिवार को भी सुरक्षित रखिए। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री मन्नारा।